कार वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के विभिन्न प्रकार के डेटा मॉडल्स के बारे में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें हम जो भी हमारे डेटा मॉडल्स हैं उनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स किसे कहते हैं डेटा मॉडल्स आर डिफरेंट मॉडल्स दैट कैन बी यूज टू डिज़ाइन ए डेटाबेस कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास डेटाबेस मॉडल्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार की डेटाबेस की डिजाइंस को शो करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं डिजाइन ऑफ डेटाबेस इंक्लूड्स डिस्क्राइबिंग डेटा डेटा रिलेशनशिप डेटा सेमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स जो हमारे पास डेटा मॉडल्स होते हैं उनकी सहायता से हम डेटाबेस की डिजाइन जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के डेटा हैं वो और जो डेटा हैं उनके बीच में विभिन्न प्रकार की रिलेशनशिप सेमेंटिक्स और कंसिस्टेंसी को हम शो करने के लिए उपयोग में लेते हैं वेरियस डेटा मॉडल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एब्रेक्शन जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के डेटा मॉडल्स हैं वो उनकी स्ट्रक्चर और एब्सट्रक्शन के हिसाब से हमने उनको विभिन्न भागों में डिवाइड किया हुआ है यहाँ एक जैसे बेसिक आप डायग्राम बनाया है कि जो हमारे डेटा मॉडल्स हैं उनको हमने मुख्य तौर पर तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है एक है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल सेकेंड है हमारा रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और थर्ड है हमारा फिजिकल डेटा मॉडल्स जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है इसको हमने फर्दर तीन चार चार भागों में डिवाइड किया हुआ है एंटिटी रिलेशनशिप या फिर ई आर डेटा मॉडल सेकेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल थर्ड है सैमेंटिक डेटा मॉडल और लास्ट है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल इसी तरह से हमारा जो रिकॉस्ट बेस्ड डेटा मॉडल है इसको भी हमने रिलेशनल डेटा मॉडल नेटवर्क और हायरकल डेटा मॉडल में डिवाइड किया हुआ है और इसी तरह से हमने जो हमारा फिजिकल डेटा मॉडल है उसको भी फ्रेम मेमोरी डेटा मॉडल और अनफ्लाइंग डेटा मॉडल्स में डिवाइड किया हुआ है तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल के बारे में ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स आर यूज इन डिस्क्राइबिंग डेटा एट द लॉजिकल एंड व्यू लेवल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल होता है इसको जनरली हम लॉजिकल और और व्यू लेवल होता है वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई द फैक्ट दैट दे प्रोवाइड फेयरली जिससे कि हम उनकी प्रॉपर्टीज है उनकी विशेषताएँ उनको डिस्क्राइब करते हैं फ्लैक्सीबल स्ट्रेचिंग कैपिलिटीज एंड अलाउ डाटा कंस्टेंट टू बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के कंस्टेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को वहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं देयर आर मैनी डिफरेंट मॉडल्स एंड मोर आर लाइकली टू कम सेवरल ऑफ मोर widely नाउन वंस आर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ट डेटा मॉडल्स हैं उनको भी हमने फर्दर कई भागों में डिवाइड किया हुआ है जिनमें सबसे पहले हमारे पास द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल द समेंटिक डेटा मॉडल और द फंक्शनल डेटा मॉडल्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो एंटिटी रिलेशन मॉडल है वो भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स का एक पार्ट है उसके बारे में जैसे कि अभी यहाँ आप डायग्राम देख रहे होंगे ये हमारे एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल का एक स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास कोई भी एंटिटीज होती है तो उनके बीच में जो भी हमारा रिलेशनशिप है उसको शो किया हुआ है और साथ ही साथ हमारे इसमें काफ़ी सारी इनकी प्रॉपर्टीज करेक्टर्स को भी शो किया हुआ है जैसे कि एक टीचर है तो टीचर है तो उसके साथ ही वो हमारे अपने आप में कोई ब्रांच भी रखेगा टीचर का नाम होगा उसकी सी होगी सब्जेक्ट होगी ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं और इसी तरह से एक हमारे पास है ब्रांच तो जो भी हमारा टीचर है वो एम्प्लॉई है वो किसी न किसी ब्रांच से अपने आप में एक रिलेशन रखेगा तो ये सारे के सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे इसके एट्रीब्यूट्स भी कहलाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीटी रिलेशन डेटा मॉडल के बारे में द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज बेस्ड ऑन ए प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रियल वर्ल्ड दैट कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास ईआर आर मॉडल है ये बेसिकली हम जो भी रियल लाइफ में देखते हैं चीज़ें तो उनमें हमारे जो भी विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक ग्रुप या समूह होता है जिसे कि हम एंटिटी या फिर कह सकते हो रिलेशनशिप मॉडल के नाम से भी शो करते हैं एन एंटिटी इज ए थिंग्स और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज़ डिस्टिंगबल फॉम अदर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास एंटिटी है वो अपने आप में एक रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो सकती है जो अपने आप में कुछ प्रॉपर्टीज रखती है एंटिटीज़ आर डिस्क्राइबड इन ए डेटाबेस बेस ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हमारी एंटिटीज है उनको हम विभिन्न प्रकार के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके समूह की सहायता से प्रदर्शित करते हैं ए रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज जो हमारे विभिन्न प्रकार के एट्रीब्यूट्स होंगे उनके बीच में जो भी हमारा रिलेशनशिप होगा उनकी सहायता से हम इस मॉडल को शो करते हैं द सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप एंड सेट ऑफ ऑल रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप रेस्पेक्टिवली साथ ही साथ इस मॉडल में हम जो भी हमारे पास समान प्रकार की एंटिटीज और समान प्रकार के उनके बीच में रिलेशनशिप को भी प्रदर्शित करते हैं द ई आर मॉडल रिप्रेजेंट सर्टेन कंस्टेंट्स टू विच द कंटेंट्स ऑफ ए डेटा बेस मस्ट कम साथ ही साथ जो हमारा ई आर मॉडल है इसमें हमारे जो भी विभिन्न प्रकार के कंसटेंट्स हैं उनको भी हम इसके अंदर प्रदर्शित करते हैं वन इम्पोर्टेंट कंस्टेंट्स इज मैपिंग कार्डनिलिटीज विच एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड बाई ए रिलेशनशिप सेट साथ ही साथ हम ई आर मॉडल में जो भी हमारी चार प्रकार की कार्डनलिटी तो होती कार्डनिलिटी होती है वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू वन और मैनी टू मैनी इनको भी हम इस मॉडल के अंदर प्रदर्शित करते हैं सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल द ऑबजेक्ट ओरिएटेड मॉडल इज बेस्ड ऑन ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है ये हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक समूह होता है एंड ऑब्जेक्ट कंसटेंस वेल्यूज़ स्टोर इन इंस्टेंस वेरिएबल विथ इन द ऑब्जेक्ट साथ ही साथ हमारे जो ऑब्जेक्ट कंस्टेंट्स हैं उनकी वेल्यूज़ को हम विभिन्न वेरिएबल की सहायता से इसमें स्टोर करते हैं एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो कंस्टेंस बॉडीज ऑफ कोड डेट ऑपरेट ऑन द ऑब्जेक्ट जिससे कि हम इसमें विभिन्न इसके बॉडी पार्ट्स हैं उनको आसानी से ऑपरेट कर सकें दीज बॉडीज ऑफ कोड आर कोड मेथड्स जो हमारे इसमें बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं वो हमारे मेथड्स कहलाते हैं ऑब्जेक्ट देट कंटें द सेम टाइप्स ऑफ वेल्यूज एंड द सेम मैथड्स आर ग्रुप्ड टूगेदर इन क्लासेज जो हमारे पास सेम प्रकार के ऑब्जेक्ट्स और सेम प्रकार के क्लास होते हैं सेम प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेम प्रकार के जो हमारे मेथड्स होते हैं इनको हम क्लास से डिफाइन करते हैं एक क्लास में भी ए टाइप ऑफ डेफिनेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स एक क्लास की सहायता से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड मैथड्स कम्प्रेजिंग ए टाइप डेफिनेशन इज सिमिलर टू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एब्सटेक्ट डेटा टाइप जो हमारे पास इसमें विभिन्न मेथड और जो हमारे डेटा का कॉम्बिनेशन है उनकी सहायता से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं द ओनली वे इन विच वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस दी डेटा ऑफ अनादर ऑब्जेक्ट इज बाय इनवोकिंग ए मेथड ऑफ दैट अदर ऑब्जेक्ट साथ ही साथ इसमें हम एक ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के मैथड्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है दिस एक्शन इज कॉल्ड सेंडिंग ए मैसेज टू द ऑब्जेक्ट सा जो हमारे पास किसी भी एक ऑब्जेक्ट है उसको मैसेज करने का एक प्रोसीजर कहलाता था है थर्ड है हमारा रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स आर यूज इन डिस्क्राइबिंग डेटा एट द लॉजिकल एंड व्यू लेवल जो हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल है ये जनरली लॉजिकल और व्यू लेवल के ऊपर कार्य करता है इन कंस्टेंट्स टू ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल दे आर यूज बोथ टू स्पेसिफाई दर ऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस एंड टू प्रोवाइड ए हायर लेवल डेस्क्रैप्शन ऑफ़ द इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल होते हैं उनकी सहायता से हम इसमें जो भी हमारी हाई लेवल की लैंग्वेज या फिर जो भी हमारे लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा किसी भी डेटा बेस का उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उपयोग में लेते हैं द रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स आर सो नेम्ड बिकॉज द डेटा बेस इज स्ट्रक्चर्ड इन फिक्सड फॉर्मेट रिकॉर्ड ऑफ सेवरल टाइप्स जो हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स हैं उनका हमारे पास जो भी एक स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स फॉर्मेट में तैयार किया होता है जिसके हमारे विभिन्न प्रकार होते हैं इसलिए इसको हम रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल भी कहते हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है इसको मुख्य तौर पर हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल नेटवर्क डेटा मॉडल और हायरिकल डेटा मॉडल्स जो हमारे पास तीन प्रकार के मॉडल्स हैं रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल के उनमें हमारे पास uh, इनका स्टडी किया जाता है अगला है हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल द रिलेशनल मॉडल यूज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग दोज डेटा जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल है वो हमारे विभिन्न प्रकार के डेटाबेस की टेबल्स को क्रिएट करने और उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है इच टेबल हैज़ मल्टीपल कॉलम्स एंड ईच कॉलम हैज़ ए यूनिक नेम जो हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल है इसमें हमारी जो भी टेबल्स बनी हुई रहती है तो उनमें विभिन्न प्रकार के कॉलम्स होते हैं और जो हमारे पास जो भी कॉलम्स बने होते हैं वो अपने आप में एक यूनिक नेम रखते हैं रिलेशनल डेटा बेस आर पावरफुल बिकॉज दे रिक्वायर फ्यू एग्जम्पन अबाउट हाउ डाटा इज़ रिलेटेड और हाउ इट विल बी एक्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी डेटा बेस जो हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल्स हैं उनकी सहायता से ही हम हमारी कोई भी टेबल्स है उसमें किसी भी डेटा को डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ उसमें ये भी डिफाइन करते हैं कि जो भी हमारे जो भी डेटा है उनकी जो टेबल्स हैं उनके बीच में हम किस तरह से रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकें द सेम डेटा बेस कैन बी व्यूड इन डिफरेंट वेज इसमें हम सेम प्रकार के डेटा बेस को भी अनेक प्रकार से देख सकते हैं अनदर फीचर्स ऑफ रिलेशनल स्ट्रक्चर इज दैट इस सिंगल डेटा बेस कैन बी स्प्रेड अक्रॉस सेवरल टेबल्स साथ ही साथ इसमें हमारा कोई भी एक सिंगल डेटा होगा उसको भी हम विभिन्न टेबल्स में उपयोग में ले सकते हैं दिस डिफर्स फॉर्म फ्लैट फाइल डेटा बेस इन विच इच डेटा बेस इज इट सेल इज़ सेल्फ़ कंटेंट इन ए सिंगल टेबल साथ ही साथ जो हमारे पास इसमें विभिन्न प्रकार की जो भी फाइल्स होंगी डेटाबेस में उनको भी हम एक सिंगल टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं जैसे कि यहाँ रिलेशनल डेटा मॉडल्स का एक डायग्राम बनाया हुआ है तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ टेबल बनी हुई है स्टूडेंट टेबल जिसमें कि हमारे जो स्टूडेंट नेम है स्टूडेंट रोल नंबर है फादर्स नेम है ये सारे के सारे हमारे इनके एट्रीब्यूट्स हैं और जो हमारे इसके अंदर कॉलम के अलावा जो रो बनी हुई है जिनमें कि हमारे जो भी सारे एट्रीब्यूट्स के एंट्रीज फिल की हुई है तो ये हमारे इसमें कहलाते हैं टपल्स टपल्स की सहायता से आ, हमारे कोई भी हम डेटा का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिलेशनल मॉडल्स कि जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल हैं उसका हमारे पास क्या क्या स्कोप है तो इसमें सबसे पहले ऑल द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल सबसे बात है कि जो भी हमारे पास रिलेशनल मॉडल है उसमें जो भी हमारे पास डेटा होगा उनको हम किसी भी टेबल की सहायता से प्रदर्शित करते हैं इच एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशनल हैज़ डिस्टिंग नेम जो भी हमारे पास किसी भी टेल, टेबल में जो भी हमारे पास कॉलम्स होंगे या उनको किसी भी आ, हमें एट्रीब्यूट्स को पर्टिकुलर किसी भी नाम से डिफाइन करना होता है इट इलीमिनेट्स द नीड टू चेंज एप्लीकेशन प्रोग्राम वैन ए चेंज इज मेड टू बी डेटा बेस साथ ही साथ जब कभी भी हमें कोई भी डेटा बेस में चेंजेज करना होगा किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में तो हम उनके डेटा में भी चेंजेज कर सकते हैं यूजर नीड नोट नो द एक्सप्लेट फिजिकल स्ट्रक्चर टू यूज द डेटा बेस साथ ही साथ हमारा जो यूजर है उसको इसमें इसके किसी भी डेटा बेस पर कार्य करते समय उसके किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा रिलेशनल मॉडल है उसकी क्या क्या एडवांटेज है तो सबसे पहली बात तो है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी थर्ड है डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस एंड यूजेजी इजी और फोर्थ है एड हो क्योरिक तो सबसे पहली बात तो है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी अर्थात कह सकते हो जो हमारा रिलेशनल मॉडल है उसमें हमें कोई भी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए टेबल्स को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है सेकंड है हमारा कि जो हमारे इनमें बेसिक कोई बहुत ज़्यादा इसमें टफ कॉम्प्लेक्स हमें कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है इसको हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं थर्ड है कि इनमें हम आसानी से इनका इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी हमारी क्वेरी होगी वो भी हमारी कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स ना होकर सिंपली रहती है इसके साथ ही साथ हमारे इसमें रिलेशनल मॉडल है इसकी कुछ डिसएडवांटेज है उनमें एक है हार्डवेयर ओवरहेड अर्थात योग कह सकते हो कि जो हमारे लीजें मॉडल्स हैं इनमें जो भी हम हार्डवेयर्स का उपयोग कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के बाद में आ, आ, वहाँ पर हमें उनको अपग्रेड या इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता रहती है तो एक ये इस चीज़ का हमें इसका एक डिसएडवांटेज है और सेकेंड है ईजी ऑफ डिजाइन कैन लीड टू बैड डिजाइन कई बार क्या है कि हमारे इसमें कोई डिजाइन के लिए हमने फिक्स स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया होता है तो कई बार हम क्या है कि इसकी बहुत ही डिजाइन इस तरह से कर देते हैं कि जो आगे जाके हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है तो इन दो चीज़ों का हमारा इसमें डिसवान डिसएडवांटेज का भी रोल रहता है अगले जो हमारे रिलेशनल मॉडल्स हैं और जो भी हमारे डेटाबेस के मॉडल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू